गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस समय भी जो है मौसम की सूरत हाल जो है वो इंतहाई जो है वो तब्दील होती हुई दिख रही है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये मैं आपको एक लिंक रोड दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल हाईवे के पैरेलल में चलता है, क्योंकि हाईवे पे जो है लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कत है, जिसकी वजह से जो है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो छोटी गाड़ियाँ हैं जो आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं ये वादी से जम्मू की ओर जो जा रही है, तो ये यहाँ पर जो है इस रूट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे हाईवे का आप व्यू देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है धुंधला माहौल है और इसके बीच में जो है यहाँ पर मैं आपको जायज़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस समय जो है मौसम के मिजाज काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते रहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये पैसेंजर गाड़ियाँ भी जो है शॉर्टकट में जो है यहाँ स्लाइड से बचने के लिए इस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शूटिंग स्टोन जो है का थ्रेट जो है इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है वो देखने को मिल रहा है और इसीलिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सफ़र शुरू करने से पहले आप नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट के साथ भी आप रابطہ कायम करें ताकि आपको हाईवे पे किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जायज़ा आपको हम जो है ग्राउंड ज़ीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सही अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त जो है हाईवे की सिचुएशन क्या है। और यहाँ से जो है बिल्कुल हाईवे जो धुंधला आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है कुछ गाड़ियाँ धर्मांधा है, चूँकि जगह जगह पर जो है गैप वाइज कुछ छोटे छोटे जो पत्थर खिसक कर आते हैं उसके चलते जो है ट्रैफिक रेगुलेशन में जो है वो दिक्कतें वो देखने को मिल रही है। और ये जो है मैं जायज़ा आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ सूरत हाल है यहाँ पर इस समय हाईवे के साथ साथ में, तो आप ज़रूर जो है इस चीज़ का जायज़ा जो है वो देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं पर जो है सफ़र शुरू करने से पहले आप नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट के साथ भी आप रابطہ कायम करें ताकि आपको हाईवे पर जो है बेवजह दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और नाज़रीन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो वादी से गाड़ियाँ जो है बिल्कुल जम्मू की ओर जा रही, चूँकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल आबूरालदा है जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे यहाँ स्लाइड से बचने के लिए जो है लोगों ने यहाँ पर जो है इस चीज़ का ये एहतमाम किया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि गाड़ियाँ जो है बिल्कुल किस ओर जा रही है, ये कहीं ना कहीं पे जो है आप तक मैं ये तस्वीरें जो है वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हाईवे की असल तस्वीर है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिंक रोड पे जो है लोग यहाँ पे अपनी जो है गाड़ियों को जो है इस रूट पे ले जा रहे हैं ताकि उनको जो है किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। तेज़ तरार बारिश जो है इस समय हो रही है, क्योंकि आप जायजा देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तूफानी बारिश का माहौल है। और ये हम आपको जायज़ा दिखा रहे हैं कि हाईवे की असल तस्वीर क्या है, कहाँ से लोग जो है इस समय सफ़र कर रहे हैं स्लाइड से बचने के लिए। और आगे में आप जो ये हाईवे का व्यू देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे जिस सीट में भी आप देखें तो बिल्कुल बारिश का जो है माहौल है और कहीं ना कहीं पर दिक्कतें जो है वो अभी भी हाईवे पे जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये मैं आपको जायज़ा दिखा रहा हूँ कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की असल तस्वीर क्या है। बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है तूफ़ानी बारिशें हो रही है, जहाँ पर किसी का भी खड़ा रहना जो है वो इंतहाई जो है बिल्कुल दुश्वार है। उसमें आपको जो है गाड़ी से ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ सूरत हाल है ताकि आपको हाईवे का सही अंदाज़ा हो जाए। ये आप देख लीजिए कि लिंक रोड्स पर भी जो ये जमलवास से बिल्कुल एक जो छोटा सा रोड है वो बिल्कुल बनिहाल को टच करता है, तो उसमें भी जो है यहाँ पर जब दोनों तरफ से गाड़ी आती है तो यहाँ पर जो है स्पेस की तंगी की वजह से उन्हें यहाँ पे एहतियात से चलना पड़ता है और एहतियात से ही जो है लोगों को सफ़र करना चाहिए। देखिए बारिश की सूरत हाल आप देख लीजिए, ये बारिश का पानी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश जो है इस वक्त जो है हाईवे पे हो रही है। हाईवे के साथ साथ अक्रॉस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बनिहाल से रामबन की ओर
और हल्की बर्फबारी जो है बिल्कुल मैदानी इलाकों में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है शुरू होती हुई दिख रही है बारिशों के साथ साथ बीच में। और कहीं ना कहीं पे महकमा मौसमियात का मानना है कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो रह सकती है। और ये बराह रास्त जायज़ा आप जो है हाईवे पे देख रहे हैं। आप रिस्क में सफ़र ना करें, खासकर रामबन बनियाल के एरिया में। डोंट पुट योरसेल्फ इन ट्रबल, यू मस्ट फर्स्ट कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स एंड देन ट्राई टू ट्रेवल ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। क्योंकि सूरत हाल जो है बिल्कुल ख़राब है इस समय हाईवे की। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी जो गाड़ियाँ हैं जो वादी से या जम्मू से आती है, आप देख लीजिए कि ये जो है इस सीध में यहाँ पर क्रॉस करती हुई आप हमारे सामने देख रहे हैं। बारिशों और बर्फबारी का माहौल जो है इस समय लगातार जारी है। आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप आपको सही जानकारी मिले कि हाईवे की असल सूरत हाल क्या है। कि आप ये बिल्कुल लिंक रोड की सूरत हाल है, यहाँ से ये रोड जो है बिल्कुल रेलवे टनल की तरफ जाता है और वहाँ से ये रोड होता हुआ जो है ये जो रहमपड़ी का इलाका जो काफ़ी फेमस स्लैट होता है। और ऊपर में आप देख रहे हैं कि ये रहमपड़ी का इलाका जो है ये दिखा रहे हैं का इलाका, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तहसीलदार बनिहाल की गाड़ी भी जो है इसी चीज में जो है कोशिश कर रही है कि वो भी सेफ इस एरिया से निकल जाए। और कहीं ना कहीं से हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर है इस समय। तो बिल्कुल एक दूसरा सा माहौल है और बीचों बीच आप देखेंगे कि हाईवे पे या लिंक रोड पे जो है बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल है। ये हाल जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का अपडेट जो है मैं आरिफ वहीद आप तक बराह रास्त यहां पर जो है इस स्ट्रेच से ला रहा हूं, जो रामसू का जो इलाका यानी जो चमलवास का इलाका है। आप देख लीजिए कि यहां पर हालात जो है थोड़ी सी नाजुक, हाईवे की ज़रूर बनी हुई है क्योंकि बारिशों का सिलसिला बहुत ही ज़ोर से जो है ये बारिशें इस समय हो रही है। और रामबन बनिहाल का आप जानते हैं सभी के ये वर्किंग एजेंसीज के लिए भी जो है एक बड़ा चैलेंज है कि सूरत हाल जो है किस तरह की रहने वाली है हाईवे की अगर हम बात करें। यहाँ से जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये बनिहाल मेन टाउन से तकरीबन 5-6 किलोमीटर का जो चापनाड़ी इलाके से होता हुआ जो है ये रोड हाईवे के साथ कनेक्ट होता है। और इसीलिए जो है मुतद गाड़ियाँ जो है इसी रूट का यहाँ पर लिंक रोड का सहारा ले रहे हैं ताकि शूटिंग स्टोन वाले जो एरियाज़ हैं उनसे बचा जा सके। और कहीं ना कहीं पर जिस तरह से पिछले 10 साल से काम चल रहा था और ये माना जा रहा था कि शायद शूटिंग स्टोन से जो है अब नजात मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे फिर वही सूरत हाल जो है अभी भी बारिश में देखी जा रही है। जहां पर पुराने तर्ज पे जो है यहां पर इस चीज़ से बचने के लिए देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं हाईवे पे पहुंच गया और ये आप देख लीजिए लाइट पुल जो है वो जो कि आप बिल्कुल तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये हाईवे की सूरत हाल जो है मैं आरिफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चमलवास के इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से सूरत हाल जो है वो क्या नाजुक सी बनी हुई है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो
जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लैंडस्लाइड का सिलसिला था, माहौल से गाड़ी जो है वो शॉर्ट उसके बाद जो है आप हाईवे पे सफर करेंगे। मैं आपका मेजबान।